हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं रजनी आप सबको स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिंदगी पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है संडे, तारीख पता नहीं क्या है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, आप लोग बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके तारीख कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं अपना ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी शाम के 6:30-7 बज रहे होंगे, तो आप सबको गुड इवनिंग। मैं खाना बनाने जा रही थी तो सोची अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और देखिए बाहर कितना अंधेरा हो चुका है, आज मुझे खाना बनाने में भी लेट हो गया है। और आज खाने में बनेगा पनीर और सिंपल सी रोटी सूखी। ये मैंने यहाँ अपना सारा काट काट के रख दिया है, टमाटर, ये है क्या कहते हैं इसे, प्याज, भूल गए थे, हमारा पनीर, इतना समय बचा ली हूँ, इसे हम कल बनाएंगे और इसे आज बना लेंगे, क्योंकि हम दो ही लोग हैं तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आधे को हम बना ले रहे हैं। इसमें सारा मसाला पीस के रख ली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, डिनर बनाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और देखिए ये है पनीर मसाला छोटू वाला, अरे देखो मूंगफली, मैं मूंगफली डाल के पनीर बनाने वाली थी पर आज मैं पीसने भूल गई, तो अब छोड़ दे रही, सिंपल ही बना ले रही हूँ, क्या आ जाता है, हमें ही तो खाना है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट बना लेते हैं। और आज दोपहर में सिंपल सी तहरी बना ली थी और साथ में पापड़ भून ली थी, तो इसी कढ़ाई में मैंने पापड़ भूना था अपना, उसी से अब एक्स्ट्रा तेल मैं साइड निकाल दे रही हूँ, फिर इसी में हम अभी पनीर बना लेंगे, क्योंकि ये गंदा है, फिर इस बार बार बर्तन गंदा क्या करना, क्योंकि खाना बनाने के बाद जो बरार निकलती है बर्तन की, उसे तो साफ भी तो हम ही करना पड़ता है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना कढ़ाई चढ़ा दिया है, ये गर्म हो जाएंगे, फिर इसमें हम डाल देंगे पनीर फ्राई करने के लिए। देखिए हमारा पनीर यहाँ पर फ्राई हो रहा है, हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, फिर इसे हम बाहर निकाल लेंगे प्लेट पर। देख कितने सुंदर कलर आए हैं ना। फिर उसी कढ़ाई पे मैंने और थोड़ा ऑयल डाल लिया था तेल, फिर उसमें मैंने जीरे का तड़का दिया, फिर उसे प्याज भून लिया, गोल्डन ब्राउन हो गया, उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया है, फिर टमाटर को गलने के लिए हम थोड़ी सी नमक भी डालेंगे इसमें, फिर 2-3 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। देखिए मैंने नमक भी डाल दिया है, अब इसे हम ढक देंगे, जब तक टमाटर अपना पानी छोड़ देगा। देखिए टमाटर भी अपना पानी छोड़ दिया है, अब इसे हम थोड़ी सी चलाएंगे, थोड़ा सा कलछी से हम इसे दबा देंगे ताकि ये मैश हो जाए, क्योंकि मैश होंगे तो ही पनीर का ग्रेवी गाढ़े गाढ़े बनेंगे। और उसके बाद टमाटर भुन जाने के बाद हम इसमें मसाला डाल देंगे, मैंने अपना मिक्सी पर पीस लिया था, इसमें है धनिया, जीरा, काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी और अदरक, लहसुन और क्या था, मिर्चा, ये सारा मैंने इसमें पीस लिया है। फिर ऊपर से हम डाल देंगे हल्दी 1 चम्मच, फिर स्वाद अनुसार नमक, फिर क्या है इसे 10-15 मिनट जितना देरी से भुनने में लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट तो लग ही जाएगा इसे भुनने में, क्योंकि जब तक मसाला अच्छी तरह से भुनेंगे नहीं तो खाने में स्वाद नहीं आएगा। इसे हम ढक देते हैं, जब तक वहाँ हमारा मसाला भून रहा है तब तक हम यहाँ सब्ज़ी निकाल लेते हैं, क्योंकि आज हमारा गांव में मार्केट था तो वहीं से मेरे हस्बैंड सब्ज़ी लेकर आए थे, तो इसे मैं अलग अलग नहीं की थी, इसे अभी मुझे अलग अलग करके फ्रिज में भी रख देना है, तो मैं इसे अलग अलग करके अभी फ्रिज में रख दूँगी। देखिए मेरे हस्बैंड आज बाज़ार से आलू, भिंडी, मिर्चे और टमाटर ले कर आए थे, क्योंकि आजकल ज़्यादा सब्ज़ी मिलते कहाँ हैं बाज़ार में। देखिए इधर मेरा मसाला भी भून चुका है अच्छी तरह से, अब हम इसमें डाल देंगे पानी जितना हमें पानी का ज़रूरत है। पनीर का कलर बहुत बढ़िया आया था पर कैमरा उतना कैच कहाँ कर पाता है, और मेरा मोबाइल का तो वीडियो क्वालिटी भी ठीक नहीं है, इसलिए कलर उलर उतना मैच कैच नहीं कर पाता है मेरा मोबाइल। पनीर का कलर बहुत बढ़िया था और खाने में भी बहुत बढ़िया लगा था, कभी आप लोग भी ट्राई करिएगा ऐसा। तो देखिए पनीर को अब हम डाल देंगे इसमें, क्योंकि ये खौला गया है, और मेन इम्पोर्टेंट बात, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी, क्योंकि
क्योंकि चीनी नहीं डालेंगे तो फिर पनीर का मिठास चला जाएगा, फिर वो हमें अच्छे नहीं लगेंगे खाने के लिए, इसलिए हम इसमें एक चम्मच चीनी डाल दिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अपना पनीर। चिपक गया था, गिर ही नहीं रहा था हमारा पनीर, फिर मैं अपने हाथ से डाल दी। और लास्ट में हम डालेंगे इसमें एक पैकेट पनीर मसाला, ये 5 रुपये वाला पाउच आता है ना पनीर मसाला का, वही है, मैंने पूरा पाउच डाल दिया है। देखिए कितने गाढ़े गाढ़े से पनीर बने हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, कलर बहुत बढ़िया आया था, पर क्या करें कैमरा पता नहीं कैच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। फिर हम इसे 2 मिनट के लिए फिर पकने दिए थे। देखिए अभी फाइनली हमारा पनीर बनके तैयार है, तो आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा इस तरह पनीर बनाने के लिए। घर के ही सामान से मैंने अपना पनीर सारा बनाया है, खाली मैं एक्स्ट्रा में पनीर मसाला लेके आई थी दुकान से, पनीर तो मेरा हस्बैंड लेके आए थे, आधा पनीर बच गया है, उसे हम बनाएंगे कल शाम में ही बनाएंगे, क्योंकि सुबह तो हम हल्के फुल्के दाल चावल इससे कुछ बना लेते हैं। फिर पनीर उन्हें बन गया है, उसके बाद मैं आटा लगा ले रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि पनीर से खाने के लिए हम बनाएंगे रोटियाँ। जैसे मैं आटा लगाने स्टार्ट की तो मेरी बेटी आ गई, देखिए इसको नींद लग रहा है, कह रही मम्मी चलो नूनू करेंगे नूनू करेंगे, तो मैं घर फिर बेटी कुछ खा लेना, फिर वो मानती है, फिर मैंने उसे सुला दिया, क्योंकि आज बाजार था तो बहुत कुछ खा ली थी बाजार का सामान वामान सब। फिर मैं यहाँ रोटियाँ भी बन के तैयार है, तो आप लोग भी आ जाइए पनीर और रोटी खाने के लिए। फिर खाना उना बनाने के बाद तो गैस स्लिप इतना गंदा होता है कि कहीं ही मत, देखिए कितना सारा गंदा हो गया, क्योंकि मेरी बेटी आ गई थी, थोड़ा बहुत वो फैला दी थी और फैल ही जाता है, और मैंने सारा जो भी सामान गंदा हुआ था वो एक तरफ रख दिया है, क्योंकि इसे हम धोएंगे। खाना बनाना तो ठीक है, पर बर्तन धोना बहुत बड़ा बात है मेरे लिए, बर्तन धोने का तो मन ही नहीं करता है पता नहीं क्यों, और हमें बर्तन धोना भी बाहर ले जाके धोना पड़ता है ना, अंदर सिंक नहीं लगा हुआ है, पानी ही नहीं है, बोरिंग ही नहीं किया हुआ है, तो सिंक कहाँ से लगेगा। देखिए मैं पनीर और उधर रोटी बन गया है, और देखिए हमारे घर में आज छोटे छोटे से बिल्लियाँ आई हुई है, उसकी मम्मी कहीं से लेकर आई है, बिस्किट रखी हुई थी मेरी बेटी, तो उसी कोई लोग आके बार बार खा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया है। और हमारा दुकान अभी बंद नहीं हुआ है, मेरे हस्बैंड कुछ कर रहे हैं, फिर अभी तुरंत बंद कर लेंगे, फिर हम डिनर करेंगे दोनों साथ में, क्योंकि हमारी बेटी तो सो चुकी है। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर अपना हाथ पैर धोने के लिए, क्योंकि खाना बनाने में तो बहुत गर्मी लग जाता है ना, इसलिए बहुत अंधेरा था बाहर, क्योंकि बाहर लाइट लगा हुआ नहीं था, लगा हुआ था पर पता नहीं फ्यूज व्यूज हो गया है शायद। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो कवर करते हैं यहीं पर, मैंने अपना कपड़ा भी चेंज किया है, धोया के आ रही हूँ क्योंकि डिनर बना रही थी तो गर्मा गोट हो गई थी। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मुझे दीदी इजाज़त, तब हम करेंगे डिनर, इसके बाद क्या करना है उसके बाद आराम करेंगे। तो चलिए बाय।